हेलो दोस्तों, जीवन एक सपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ब्रजमोहन। तो दोस्तों, 2 महीने पहले मैंने एक पोल किया था अपने चैनल पे और आप लोगों से पूछा था कि मैं अगली यात्रा कहाँ की करूं, वैष्णो देवी जाऊं या दक्षिण भारत कन्याकुमारी, और दक्षिण भारत में जहाँ जहाँ मतलब जो भी साउथ में है वहाँ पर जाके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो सबसे ज़्यादा लोगों ने कमेंट और वोट किया था कि आप जम्मू जाओ और माता वैष्णो देवी के दर्शन के वीडियो बनाओ और वहाँ के बारे में जानकारी दो। तो दोस्तों, मैंने प्लान बनाया था लेकिन बारिश का मौसम था तो मैंने कहा कुछ बारिश थम जाए उसके बाद जाएंगे वैष्णो देवी। लेकिन उसके बाद में जम्मू में आप लोगों को पता ही होगा, जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 हटाई गई थी, अमरनाथ यात्रा चल रही थी और उसके बाद में सब यात्री वापस बुला लिए गए थे और उसके बाद धारा 370 हटाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे आर्मी भेजी गई थी और वहाँ पे कर्फ्यू लग गया था। तो दोस्तों, मैंने अपने प्लान जो था वो कैंसिल कर दिया था। उसके बाद में वहाँ पे कर्फ्यू लगा रहा, धीरे धीरे वहाँ पे यात्रा कम हो गई वैष्णो देवी की, तो लोग जल्दी नहीं जा रहे थे क्योंकि जम्मू में भी कर्फ्यू लगा था। तो मैंने सोचा उधर जब थोड़ा समय मिलेगा, जब थोड़ा मतलब वहाँ पे कंट्रोल होगा, कर्फ्यू खुलेगा, तो मैं वैष्णो देवी की यात्रा ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन भी चलने वाली थी लेकिन वो धारा 370 हटाने के चक्कर में वंदे भारत जो ट्रेन थी वो भी नहीं शुरू हो पाई। तो मैंने मन में सोचा था कि मैं जब भी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी मैं उसी से वैष्णो देवी की यात्रा पर जाऊँगा और माता जी के दर्शन करूँगा। तो दोस्तों, मैं इंतज़ार करता रहा धीरे धीरे। तो अभी 2-4 दिन पहले एक गुड न्यूज़ आई और पीयूष गोयल, जो रेल मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है 5 अक्टूबर से। तो मुझे दोस्तों बहुत खुशी हुई और मैंने बहुत जल्दी प्लान बनाया और मैंने जैसे ही बुकिंग खुली वंदे भारत ट्रेन की तो मैंने अपना टिकट बुक कर दिया। ये देखिए दोस्तों, ये है दिल्ली से वंदे भारत का टिकट कटरा तक का। तो दोस्तों, मुझे काफ़ी खुशी है, मैं वैष्णो देवी यात्रा पे जा रहा हूँ और वंदे भारत ट्रेन से जा रहा हूँ जो कि पहली बार नई दिल्ली से कटरा के लिए रवाना होगी 5 अक्टूबर को, और मैं उसी 5 अक्टूबर को उसी वंदे भारत ट्रेन से जा रहा हूँ जो पहली बार कटरा जाएगी। तो दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन के बारे में आप लोगों को बता दूं कि वंदे भारत ट्रेन मेक इन इंडिया प्लान की बहुत ही बेस्ट फुल एसी ट्रेन है जो एक रूट पे चलाई जा चुकी है, जो कि नई दिल्ली से बनारस तक, वाराणसी तक चलती है और बाया कानपुर होके जाती है। और ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन जो है ये नई दिल्ली से कटरा तक चलाई जा रही है। तो काफ़ी अच्छी ट्रेन है दोस्तों, फुल एसी है और एसी चेयर हैं और बिजनेस क्लास भी है उसमें। तो चलेंगे उस वंदे भारत ट्रेन से 5 को और वहाँ रिव्यू करके आपको ट्रेन के बारे में बताएंगे। तब तक मेरे पास ये टिकट है जो बेसिक जानकारी है वंदे भारत ट्रेन की, मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये नई दिल्ली से प्लेटफार्म का तो अभी पता नहीं है ये कौन से प्लेटफार्म से जाएगी, लेकिन ये नई दिल्ली से सुबह 6 बजे निकलेगी कटरा के लिए। रास्ते में 2 या 3 ही स्टॉपेज हैं, अभी तो क्लियर नहीं है मुझे, और शायद अंबाला कैंट और लुधियाना है, उसके बाद में जम्मू और जम्मू के बाद में सीधे कटरा। तो दोस्तों, ये इसका किराया, अगर किराए की बात करें तो इसका जो किराया है वो मुझे 2 लोगों का पड़ा है 3296 रुपये, और उसमें 728 रुपये जो है वो कैटरिंग चार्ज इसमें जुड़ा हुआ है, और 35 रुपये GST लगी हुई है, और 98 पैसा ये बीमा का लगा है। तो लगभग 2 लोगों का 3296 रुपये में टिकट बुक हुआ है और ये दोस्तों सुबह 6 बजे से चल के जम्मू कटरा पहुंचा देगी हमें 2 बजे, और 2 बजे के बाद में 1 घंटे रेस्ट करने के बाद में ये बस 3 बजे से वहाँ से दोबारा चल देगी और ये नई दिल्ली वापस आ जाएगी रात के 11 बजे तक। तो दोस्तों, चलेंगे इस ट्रेन में और जानेंगे इस ट्रेन के बारे में 5 तारीख को, और वहाँ के वैष्णो देवी माता जी के काफ़ी वीडियो बनाएंगे हम, और वहाँ पे यात्रा कर कैसे जाते हैं सारी जानकारियाँ देंगे आपको अपने चैनल पे।
तो वंदे भारत के ट्रेन से संबंधित अगर आप लोग मुझसे कोई भी सवाल करना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जो नई दिल्ली से जो कटरा तक का डिस्टेंस है वंदे भारत ट्रेन का, तो वो है 655 किलोमीटर, और ये लगभग 160 किलोमीटर पर घंटे से पर मतलब 160 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगी। लेकिन अभी ये किस स्पीड में चलेगी वो तो ट्रेन पे चलने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों, लेकिन इसका ट्रायल जब किया गया था तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चलने में सक्षम है। तो दोस्तों चलेंगे वंदे भारत ट्रेन पे अपनी यात्रा पे और बनाएंगे आप लोगों के लिए वैष्णो देवी के बहुत सारे जानकारी भरे वीडियो। मिलेंगे फिर एक वैष्णो देवी की एक नए वीडियो में, नई यात्रा के नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।